दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स हु आर अवेटिंग एंड वांटिंग टू नो कि सर नया सिलेबस कब से आएगा. तो प्रेसिडेंट सर ने खुद ये जो है अनाउंसमेंट किया है, प्रेसिडेंट सर ने खुद ये मैसेज दिया है. बट वो मैसेज बताने के पहले मैं आपको चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक बटन दबा दें, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए ये सब रिसर्च करके ढूंढ करके लाने के लिए. और चैनल पक्का से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, बिकॉज ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स. आप जानते हैं हम लोग डेली रिविजन सेशन ले रहे हैं, मैराथॉन्स आर ऑल्सो कमिंग योर वे. सो इफ यू वॉन्ट टू रिसीव अपडेट्स अबाउट द सेम, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड विजिट द प्लेलिस्ट. आपको दिखाई देगा हमारा मेहनत और कॉलेज एजुकेशन. तो दोस्तों, न्यू सिलेबस आईसीएआई का कब आ रहा है? बहुत सारे बच्चों को लग रहा था मई 23, मैंने पहले बता दिया था मई 23 में कोई चांस ही नहीं है, नो चांस. नवंबर 23 40% चांस है आने का, 60% चांस है कि नवंबर 23 में भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या हो रखा है, प्रेसिडेंट सर ने ये हमें अपडेट दे रखा है, द काउंसिल आफ्टर डिलिबरेटिंग at length on the suggestion received from the stakeholder, ठीक है, approved by the proposed scheme of education and training with certain modification, थोड़ा बहुत modification भी हुआ है, अभी ये जा चुका है, council ने approve कर दिया है, stakeholder लोग से recommendations वगैरह जो मिला था उसके हिसाब से थोड़ा modified proposal approve किया गया, अभी ये जा चुका है MCA. जैसा कि आपको पता ICAI is governed by MCA, Ministry of Corporate Affairs, तो MCA के पास जा चुका है. अब हम लोग MCA का ही wait कर रहे हैं, जैसे ही MCA हम लोग को green signal दे देगा ये नया scheme को implement कर दिया जाएगा. बट अगेन मैं आपको बता दूं, आईसीए एक बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी है जो कि आपको सही समय देगा न्यू सिलेबस में माइग्रेट होने का. हाँ, दिक्कतें हैं, मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, वो दिक्कतें के ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है. बट मैं आपको बता दूं सही समय आपको दिया जाएगा माइग्रेट करने का. तो जो भी बच्चे ये सोचे नया सिलेबस में ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इससे बड़ा बेवकूफी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नया सिलेबस कब आएगा इसके ऊपर कोई एग्जैक्ट टर्म नहीं बताया गया है. तो जिनका भी नवंबर 23 में ड्यू हो रहा था अटेम्प्ट, वो नवंबर 23 में दे, और जो भी आपका सिलेबस एग्जिस्टिंग है उसके हिसाब से आप पढ़ाई करते चले, ठीक है ना, दैट्स इट. और नया सिलेबस अगर लागू भी होता है तो वो उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है. अगर आपने इंटर में ऑलरेडी रजिस्टर करवा लिया, फाइनल में ऑलरेडी रजिस्टर करा लिया, तो आप एग्जिस्टिंग सिलेबस में ही आपका एग्जाम होगा. I hope this video gives you clarity. Thank you so much. Lots of loves. Channel subscribe करके बेल आइकन दबा दो और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो इल्यूजन चल रहा है लोगों के दिमाग में वो क्लियर हो सके. एंड आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्लैरिटी मिला कि नहीं मिला.